हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 11 विषय रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर देखेंगे कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर किस तरह का पेपर आने वाला है। आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो पेपर है वो आपके सन 2018 और 19 का है, और उस टाइम आपके पेपर 50 नंबर का होता था, लेकिन अब की बार आपके जो पेपर है वो सिर्फ 34 नंबर का ही होगा, और 14 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 12 नंबर आपके वर्कशीट और क्विज के होंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहला है मोलरता की परिभाषा एवं ज्ञात करने का सूत्र लिखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दो है 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर तीन है पी ब्लॉक के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। H2O में O पर संकरण का प्रकार लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है कि KP वे KC में संबंध लिखिए। प्रश्न संख्या छः है CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रश्न संख्या सात है K2C2O7 तथा KMnO4 में रेखांकित परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। फिर आपके क्वेश्चन नंबर एट है आदर्श गैस समीकरण लिखो। प्रश्न संख्या नौ है औपचारिक आवेश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 10 है Na तथा Mg में किस तत्व की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि C613 के अंदर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या लिखनी है, ये भी आपके एक नंबर का क्वेश्चन है। प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ये भी आपके एक नंबर का है। गिब्स हेल्म होल्टोज समीकरण लिखिए, ये भी आपके एक नंबर का है। तो 13 क्वेश्चन थे वो आपके एक एक नंबर के थे। फिर आता है आपका सेक्शन ब, उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछ रखा है NS3 का परिणामी द्विध्रुव आगुण NS3 के द्विध्रुव आगुण की तुलना में अधिक होता है क्यों, और ये क्वेश्चन आपको पूछ रखा है 1.5 नंबर का। 15वां है अम्ल सार की लुईस अवधारणा को स्पष्ट करना है, ये क्वेश्चन भी आपके 1.5 नंबर का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास A2, 3D2, 4S2 वाले तत्व की आवर्त संख्या व परमाणु क्रमांक बताओ। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 17 है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को समझाइए। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 18 है कि N की आयनन एंथैल्पी का मान 0 से अधिक होता है क्यों। क्वेश्चन नंबर 19 से बॉयल के नियमों को परिभाषित करते हुए दाब व आयतन में आरेख खींचिए। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 20 से विलगित तथा बंद निकाय में उदाहरण सहित तुलना करो। क्वेश्चन नंबर 21 से Na तथा Cl गैस द्वारा NaCl निर्माण के बोर्नहेबर चक्र द्वारा समझाइए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, गणितीय व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 से एथीन अणु की कक्षीय संरचना बनाकर संकरण न्यू व पाई बंधों की संख्या बताओ। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 23। फिर आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन वाला, उसके अंदर आपको दो क्वेश्चन पूछ सके। रदरफोर्ड स्वर्णपर्णी प्रयोग किरण चित्र बनाओ, रदरफोर्ड प्रतिरोप के अवलोकन व निष्कर्ष लिख लो, 2.5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 25 से निम्न समीकरण संतुलित कीजिए, इसके अंदर आपको एक समीकरण है और एक और समीकरण दे रखी है, उनमें से आपको एक समीकरण को संतुलित करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि KP तथा KC में संबंध स्थापित करना है। 27 एक अक्ष तथा कक्ष को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। फिर आपके जो प्रश्न संख्या 28 है
उनके अंदर आपका सेक्शन डी चालू हो जाता है और उनके अंदर आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं दो दो नंबर के। फिर आपको अथवा के अंदर भी देख सकते हो दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं जो दो नंबर के। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपको कारण लिखना है। ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन का आपको कारण लिखना है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो चार क्वेश्चन है, आपको इन चारों क्वेश्चन का कारण लिखना है और आपको यहाँ पर चार नंबर का पूछ रखा है। फिर आपके अथवा में भी इस तरीके से चार क्वेश्चन पूछ रखे हैं और चारों क्वेश्चन आपके चार नंबर के हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो भी आपको चार क्वेश्चन पूछ रखे हैं और वो भी आपके चार नंबर का है। और अथवा के अंदर भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप इनको भी कर सकते हो और ये भी आपके चार नंबर का है। तो इस तरीके से मैंने एक आपको पैटर्न बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।